Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. In last video, हमने आपको exercise 2.5 का third question तक बता दिया था. In this video, I will tell you from the question number 4, in which saying that expand each of the following using suitable identities. यानी कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन्हें हमें एक्सपेंड करना है एक सूटेबल आइडेंटिटी के बेस पर, तो का यूज करके. आगे पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर. x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, इट इज द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. तो इट इज योर बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. हर बार जब क्वेश्चन करें तब हर बार आइडेंटिटी लिखें, ऐसा करने से हमें आइडेंटिटी सरलता से याद हो जाती है. इसलिए चलते हैं अगले को अपने क्वेश्चन के एक्सप्रेशन पर. तो टेकिंग योर क्वेश्चन, इट इज योर क्वेश्चन x + 2y + 4z का होल स्क्वायर. आप देखेंगे यहां x है वहां पर x है ही, यहां y है वहां पर तो 2y होगा और z है वहां पर 4z होगा. तो रिप्लेस कर देते हैं x * 2y होल स्क्वायर + 4z होल स्क्वायर + 2 * x * 2y + 2 * 2y * 4z एंड + 2 * 4z * x. यानी जहां पर उसमें x है वहां x रख दिया गया है, जहां y है वहां 2y रख दिया गया है, जहां z है वहां पर 4z रख दिया गया है इस आइडेंटिटी में. आगे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर x स्क्वायर जाएगा, y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया, 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर हो गया, 2 2 या 4xy हो गया, 2 2 या 4 4 4 या 16yz हो गया और 2 4 या 8zx हो गया. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन x + 2y + 4z स्क्वायर. इसका ये स्क्वायर का ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई. ऐसे ही आगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर है, तो ऐसा ही, बट इसमें बस डिफरेंट इतना है ये नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए हमने इसको टेक किया. तो अब y यूजिंग सेम आइडेंटिटी x + y + z का होल स्क्वायर x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx. इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो जहां x है वहां 2x रखा जाएगा, y है माइनस y रखा जाएगा, z के प्लेस पे z ही रहना, जो कोई चेंज नहीं है. तो आगे रिप्लेस करते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस y प्लस 2 इंटू माइनस y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x. अब सॉल्व कर देते हैं, 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर हो गया, माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 2 या 4 और माइनस का ये है तो 2 2 माइनस के 4xy हो गया. इधर आ जाइए 2 और माइनस ये है तो माइनस के 2yz हो गया. आगे 2 2 या 4zx हो गया. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट आर द सेम एज दिस क्वेश्चन. अदर पार्ट जो हमने दो पार्ट से किए उसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी अपने आप कर सकते हैं, सिंपल है. एंड नेक्स्ट सिक्स्थ वन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इट हैज द फ्रैक्शनल फंक्शन. क्योंकि सब फ्रैक्शनल फंक्शन है, 1.4a + 1.2b + 1 का होल स्क्वायर. तो आगे देखते हैं इसको भी सेम वही आइडेंटिटी है, a + b + c यानी x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx. तो इसको भी हम उसी फार्मूला से इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे, 1.2a माइनस 1.2b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1.2 है वहां जहां पर x है वहां 1.2a आ जाएगा, यहां b है माइनस 1.2b आ जाएगा y के प्लेस पर, जहां z है वहां पर प्लस 1 आ जाएगा. इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 1.2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1.2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 * x * y दैट इज 1.2a मल्टीप्लाई माइनस 1.2b प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1.2b * 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस * 1.2a. नाउ सिंपलीफाइड इट, 1.2a का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1.4a स्क्वायर, ये माइनस 1.2b का करेंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा 1.4b स्क्वायर हो जाएगा और z यहां पर ये 1 स्क्वायर बन ही रहेगा. आपका 2 से 2 कट गया तो माइनस 1.2a भी माइनस 1.2a भी हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस b आएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर पर माइनस b आता है, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका a आ गया. तो इस क्वेश्चन के सभी पार्ट इस तरीके से हो चुके हैं, बाकी अगर रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, इन विच वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन. जैसे कि एक्सप्रेशन दिए हुए हैं आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 4z 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz
माइनस चेंज एट एक्स, ये एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन दिया है वो हमारी उस आइडेंटिटी के फॉर्म का है जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आइडेंटिटी यूज की थी x + y + z का होल स्क्वायर वाली, उसी आइडेंटिटी की फॉर्म का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको नोटिस करते हुए ये देखते हैं कि नेगेटिव टर्म तो नहीं है। हाँ, यहाँ नेगेटिव टर्म है। जो अब आप नेगेटिव टर्म है तो ये देखिए इस नेगेटिव टर्म में कॉमन वेरिएबल कौन सा आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कॉमन वेरिएबल जेड आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसमें जेड नेगेटिव होगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं अब यहाँ, क्योंकि होल स्क्वायर से मालूम नहीं पड़ता कौन सा नेगेटिव होगा, क्योंकि सभी नेगेटिव हो या पॉजिटिव सभी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड कॉमन है तो जेड वाला टर्म हम नेगेटिव करेंगे बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी 2x का होल स्क्वायर बन गया, 3y का होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस 4z का होल स्क्वायर बन गया, हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर फिर क्या होगा प्लस 2xy, 2x x की जगह 2x आ जाएगा, y की जगह 3y आ गया, प्लस 2yz, y की जगह 3y और z की जगह माइनस 4z आ गया, प्लस 2zx, z की जगह माइनस 4z आएगा और x की जगह 2x है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही मिल जाएगा। इट मीन्स गिवन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, बट इट इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, सो इट्स शॉर्ट फॉर्म इज यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी जो हमने फॉर्म अभी लिखी है वो इस फॉर्म की है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx फॉर्म, और इसका शॉर्ट फॉर्म यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होती है। दिस फॉर्म इज नोन एज फैक्टराइज्ड फॉर्म एंड दिस इज फॉर्म नोन एज द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हमें लिखना था फैक्टराइज फॉर्म में, तो ये हमारा जहाँ x है वहाँ 2x हो गया, y है वहाँ 3y है और z है वहाँ पर माइनस 4z, x की जगह पर 2x, y की जगह 3y और z की जगह माइनस 4z रख दिया गया है। इट इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है बट इट हैज समथिंग डिफरेंट बिकॉज इट हैज 2x2 प्लस 2 किसी का होल स्क्वायर होता ही नहीं, किसी का स्क्वायर यहाँ पर भी वही देखेंगे क्योंकि नेगेटिव टर्म आप देख रहे हैं, ये दो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म में x कॉमन है, इसका मतलब x वाला टर्म हमारा नेगेटिव हुआ, तो हम यहाँ लिखते हैं रूट 2x² को माइनस का रूट 2x होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाता है, माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, ये y स्क्वायर ये 2 रूट 2z का होल स्क्वायर आगे होगी उसी तरीके से 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2 रूट 2z प्लस 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x, ये दिस इज द फॉर्म ऑफ x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इक्वल टू x + y + z का होल स्क्वायर, इट इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो जब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो इसका जो फैक्टराइज फॉर्म होगा इस वन माइनस 2x माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर, 2 रूट 2z होल स्क्वायर। Now your next question, 6-1, in which write the following cubes in expanded form. यहाँ पर कुछ cube दिए हुए हैं जिनको आपको expanded form में लिखना है। तो देखिए पहला question है आपका 2x plus 1 का whole cube, तो आपका एक identity है x plus y का whole cube। इसका हम use करेंगे by using identity x cube plus y cube plus 3xy plus bracket 3x bracket x plus y। इसके बाद इसके हम 2x plus 1 का होल स्क्वायर, यहाँ x है वहां 2x हो गया, y है वहां पर 1 हो गया, यानी 2x plus 1 का होल क्यूब इक्वल टू 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 into 2x into 1 और 2x plus 1, यानी जहां पर x है वहां 2x आ जाएगा, जहां y है वहां पर 1 आ जाएगा, इसे एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद इसको ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x का क्यूब 8x का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 3 2 या 6 हो गया, 6x का जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² हो जाएगा और 6x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आएगा। हम अपना इतना भी छोड़ सकते हैं या ऐसे सीक्वेंस में एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं पावर के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहां डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा गया है 8x की पावर 3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, इसमें आपको x माइनस y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी करनी है और तीसरा है वो भी ऐसा ही, इसमें प्लस की आइडेंटिटी करनी है। हमें दूसरा तीसरा आप अपने आप कर सकते हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम फोर्थ वाला हम बता रहे हैं जिसमें फ्रैक्शन वाला टर्म है, इसलिए हम फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें दिया है x माइनस 2 अपॉन 3 का 3y का होल क्यूब, इसमें आपका तो y यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस y, यानी हमने पहले x प्लस y का होल क्यूब बताया था, हम x माइनस y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करना बताएंगे। x माइनस y का होल क्यूब आइडेंटिटी होती है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y,
इसके बेस पर आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे एक्सपेंड करना है तो x माइनस टू अपॉन थ्री बाई होल क्यूब है, जहाँ x है वहां पर x रख देंगे और y है वहां पर टू अपॉन थ्री बाई लिखा जाएगा। x का x क्यूब माइनस टू अपॉन थ्री बाई होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू टू अपॉन थ्री बाई ब्रैकेट x माइनस टू अपॉन थ्री बाई। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये थ्री से थ्री कट जाएगा, एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब होगा टू अपॉन थ्री का टू का क्यूब हो गया एट और थ्री का क्यूब हो गया 27, वाई क्यूब ये रहा आपका यहाँ हुआ चार टू एक्स वाई। टू एक्स वाई का जब एक्स से मल्टीपल करोगे तो टू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस से नहीं रहा आपका, ये माइनस करके प्लस बन जाएगा और टू एक्स वाई का मल्टीपल करो टू टू या फोर हो गया अपॉन में थ्री आ गया और एक्स वाई का मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन क्यूब्स। और इसमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले हमारा x पावर 3 है, फिर x पावर 2 लिखा गया, फिर x पावर 1 लिखा गया, फिर बिना x पावर 1 लिखा गया। इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन क्यूब्स। सिमिलरली अदर पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हैं। सो इट इज एनफ फॉर दिस टुडे, यानी आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब एवं वीडियो लाइक एवं शेयर करें। तथा इट इज इन लास्ट आई वॉन्ट टू दैट दैट पढ़ो घर से कहो दिल से 10 ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 8279452537.